उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, आपकी दुआ से हम भी खैरियत से हैं। जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही लड़कियों की तो बहुत ही फेवरेट होती है गोल गप्पे की रेसिपी। गोल गप्पे जो मैं बना रही हूँ वो आटे से सूजी से बना रही हूँ, आटे सूजी के गोल गप्पे बना रही हूँ और मैं आपको बना के दिखाऊंगी। गोल गप्पे बहुत ईजी होते हैं। अब मैंने क्या लिया है, 1.5 कप मैंने ली है सूजी। हिसाब बिल्कुल बराबर रखिएगा आप तो आपके गोलगप्पे बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत कड़क बनेंगे। 1.5 कप सूजी ली है मैंने, 1.5 कप ही आटा लिया है, गेहूं का आटा ले लीजिएगा आप। पानी मैंने हसबे ज़रूरत लेना है, दो ज़्यादा ढीली नहीं रखनी, टाइट डो रखनी है। मैंने पानी को नीम गर्म कर लिया है। 1.5 चम्मच मैंने तेल का लिया है, तेल घी जो भी आप लें, लेकिन तेल जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, उसमें चिकनाहट आ जाएगी। 1 चम्मच मैंने नमक लिया है। अब हम करते हैं अपनी डो स्टार्ट। जी तो बिस्मिल्लाह, देखें इस तरह से मैंने आटा डाला, 1.5 कप आटा, 1.5 कप सूजी, इसको हमें अच्छे से मिलाना है दोनों चीज़ों को। सूजी बारीक लीजिएगा, ज़्यादा मोटे दाने वाली ना हो सूजी। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, नमक डालना है, नमक डाल के भी अच्छे से मिलाना है ताकि नमक पहुंच जाए सब जगह। इसके बाद मैं इसमें तेल डाल रही हूँ, तेल डालने के बाद अच्छे से मुझे इसको मिलाना है। जब भी मैं कोई डो बनाती हूँ मैं आपको बताती हूँ कि तेल अच्छे से मिलना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने गोल गप्पे की रेसिपी इसलिए आपको अलग से दे रही हूँ, इसका मैं पानी और फिलिंग नहीं बनाऊंगी। इस वक्त मैं आपको कुछ नए तरीके के गोल गप्पे सिखाऊंगी। जी तो देखें अच्छे से हमारी मिल चुके हैं गोल गप्पे की डो, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालूंगी, गर्म क्या नॉर्मल पानी लिया है मैंने, ज़्यादा गर्म नहीं लीजिएगा, और थोड़ा थोड़ा सा डाल के इसको मिलाना है हमें। बहुत टाइट सी डो बनानी है। इसको ज्यादा ढीला नहीं रखना डो को। सूजी का अपना दाना इतना अच्छा होता है कि वो बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी सा बनेगा। देखिए कितनी सख्त हो रही है डो, इसको मैं थोड़ा थोड़ा पानी लेके आपस में मिलाऊंगी डो को, ठीक है। साइडों से ले लीजिए आप, तरह से इसको सब में लगा लें, फिर उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। अभी हमारी डो तैयार है। हाथ में आपने गर्म पानी इस तरह से लेना है, नॉर्मल पानी, और आपने इस तरह से इसको घूमना है। और आप देखें कितनी सख्त हो रही है कि मुझे भी मुश्किल हो रही है थोड़ी, लेकिन लेनी हमें सख्ती है डो। इस तरह से हमें इसको मलना है। जी तो आप देख लें डो कितनी सख्त है, ये देखें। और इस तरह से लास्ट में मुझे इसके ऊपर पानी लगाना है, ये देखें इस तरह से मैंने पानी लगा दिया। अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी, 15 मिनट का इसको रेस्ट देना है। 15 मिनट के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसके पेड़े किस तरह से बनने हैं। ठीक है, हमारे 30 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब मैं इसके बनाऊंगी पेड़े। दो तरह के पेड़े बनते हैं, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। जी तो देखें उसमें से मैंने दो पार्ट कर लिए हैं पेड़े में से, और कुछ लोग जो हैं वो इस तरह से बनाते हैं, ये देखें। जो बाज़ार वाले बनाते हैं ना वो इस तरह से, अगर वो डायरेक्ट फ्राई करते हैं तो वो इस तरह से बनाते हैं। देखें इस तरह में, देखिए इस तरह से वो कट लगाते हैं, ठीक है। और वो पेड़ा बना के, इस तरह से पेड़ा बना के
वो इस तरह से पेड़े बनाते हैं। बाजार वालों की बात करी जो आप ठेलों पे या रेस्टोरेंट में खाते हैं, और फिर वो पता है क्या करते हैं, घी लगाते हैं इसके ऊपर। इस तरह से तीनों को घी लगाते हैं वो यूं करके, और फिर वो रख देते हैं कपड़े के नीचे, और वो डायरेक्ट निकाल निकाल के इसको यूं करते हैं, बेलते हैं इसको और फ्राई कर लेते हैं डायरेक्ट। लेकिन नॉर्मल हम इस तरह नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो जल्दी जल्दी बनाने होते हैं। हम इतने प्रोफेशनल थोड़ी हैं, हम एक एक करके निकालें और फिर फ्राई करें। अब हम जैसे नॉर्मल हम बड़ा पेड़ा लेते हैं, एक बड़ी डो बनाते हैं, मैं उस तरह से अब बनाऊंगी। एक ऑप्शन ये है, आप इस तरह से बना के रख सकते हैं और आप डायरेक्ट डायरेक्ट इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ये तेल लगेगा, फिर रखे जाएंगे। आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं एक हफ्ते, तेल लगा के वो कड़क नहीं होंगे। ठीक है, अब मैं बनाती हूँ दूसरा पेड़ा जी। तो आप देख लें, एक पेड़ा जो है वो इस तरह से बनेगा हमारा। मैंने इस तरह से पेड़ा बना लिया है। अब मैं इसकी रोटी बेल रही हूँ, अच्छे से मैं इसकी रोटी बेलूँगी जी। तो देखिए, मैंने रोटी बेलना शुरू कर दी है इसकी। जी तो आप देख लें, मैंने इस तरह से इसकी रोटी बेल ली है। अगर आप ज़्यादा मोटी रोटी बेलेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं बनेगी, फूलेगी नहीं। ये देखिए, इतनी पतली मैंने बेली है इसको, सही, इतनी ही पतली आप बेलिएगा। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप किसी ग्लास की मदद से या छोटे मोल्ड की मदद से आप इसको कर सकते हैं। एक दफ़ा पहले आप इसको यूँ उठा लीजिएगा, सही है, देखें अच्छे से उठ रहा है ये। मैंने ये वाला मोल्ड लिया है, ना ज़्यादा बड़ा है, तीन किस्म के आते हैं, बड़ा, छोटा और फिर उससे छोटा। मैंने मीडियम साइज़ लिया है। इस तरह से सारे कॉर्नर जो है मैं कट कर दूँगी इसके। याद रहे, हमने कोई मैदा नहीं डाला, वो नहीं डाला मैदा, कोई सोडा नहीं डाला हमने, बेकिंग सोडा नहीं डाला हमने। गोलगप्पे बहुत लोगों को पसंद होते हैं। इस तरह से हमें इसको निकालते रहना है। जी तो अब देखें, सेकंड स्टेप मेरा क्या है, शीट लेनी है हमें। शीट लेने के बाद इसको इस तरह से मुझे रखना है शीट को, ठीक है। इसके बाद ये जो मैंने कटिंग करी है, ये मैंने इस पे रखनी है इस तरह से, क्योंकि ये ताकि सूखे नहीं। आप इसको इस तरह से रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये सूख जाएंगे, एक तरफ से सूखना हालांकि अच्छी बात होती है कि एक तरफ से वो सूख जाए, लेकिन देखें इस वक्त हल्की हल्की सी इस पे लाइनें आ जाएंगी, ठीक है। और अगर जैसे अगर आपको कल तलने हैं या आपको कल किसी पार्टी के लिए ट्राई करने हैं तो आप इसको करके इस तरह से रख सकते हो, कोई इतना इशू नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से आपको इसको रखना है, फिर आप इसी के ऊपर शीट कवर कर लेंगे। जी तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं गोलगप्पे। देखें घी कितना गर्म हो चुका है हमारा। और एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जिस साइड से हमने रखा है ट्रे पे वो साइड हमारा नीचे आएगा, और जो थोड़ा सा कड़क हो गया है वो साइड हमारा ऊपर आएगा इस तरह से। दो मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ। और हमें इसको छोड़ना नहीं है, इसके ऊपर घी डालना है। ये देखें, इस तरह से हमें घी डालना है इसके ऊपर। मैंने आपको पहले भी बताया, कचौरी हो या कुछ भी हो, हमें घी ऊपर डालना होता है, नीचे नहीं डालना होता। और देखें आप कितने अच्छे बन रहे हैं, फूल खुद ही रहे हैं। मैंने कोई सोडा नहीं डाला, कुछ नहीं डाला मैंने। ये आप देखें कितने अच्छे फूल रहे हैं, और ये खुद फूल है, और साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने बहुत बड़ा साइज़ नहीं रखा है इसका, बहुत अच्छा साइज़ है इसका, परफेक्ट बिल्कुल साइज़ है इसका। और मैं डाल रही हूँ, ये देखें बहुत ईजी और बहुत क्विक बनने वाले हैं गोलगप्पे। ये देखिए इस तरह से, और देखिए खुद ही पलट भी गया है ब्राउन होके। देखिए इस तरह से मुझे इसको फ्राई करने हैं। मैं इसको पलट रही हूँ, देखिए, और कलर बहुत ज़्यादा डार्क मत कीजिएगा, वो जो है मज़ा नहीं आता फिर खाने में, ठीक है। फ्राई कर करके छन्ने में रखते रहिएगा।
तरह से मैंने करे हैं और साइज़ तो बिल्कुल परफेक्ट आया है इसका। ये देखें आप साइज़ कितना परफेक्ट आया है, कितना प्यारा साइज़ है इसका। जी तो आप देख लें हमारे गोलगप्पे बिल्कुल तैयार हैं, क्रिस्पी गोलगप्पे। मैं आपको दिखा दूं इस तरह से, देखें कितने कड़क हैं और कितने क्रिस्पी हैं। ये मैंने छोटे बनाए हैं क्योंकि लोगों को छोटे पसंद होते हैं, और मैंने आपको दिखाने के लिए बड़े भी बनाए हैं। ये देखें इस तरह से कितने क्रिस्पी हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी। और ये देखें कितने अच्छे बने हैं हमारे गोलगप्पे, कोई हमने सोडा नहीं डाला, कुछ नहीं डाला हमने। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।